आप सब लोगों ने कभी ना कभी बस में तो जरूर ट्रैवल किया होगा, बट हिमाचल में काजा से मनाली या फिर मनाली से काजा की बस जर्नी उन नॉर्मल बस जर्नी में से नहीं है। सिर्फ एक 400 रुपए की टिकट से आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस जर्नी से पहले मुझे भी नहीं पता था। तो चलिए विंडो सीट पर बैठकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। काजा से निकलते ही सनराइज के साथ साथ रेनबो भी देखने को मिला और अब थोड़ी बारिश भी होने लगी थी। फिर बस रुकी अपने पहले स्टॉप पे लौसर, और यहाँ का वेदर देख के लग रहा था कि शायद ऊपर पहाड़ों पे स्नोफॉल मिलेगी। फिर लौसर से हम चलने लगे कुंजुम पास, जहाँ चढ़ाई करते करते वो बारिश अब थोड़ी थोड़ी स्नो में कन्वर्ट हो गई थी। और फिर फाइनली वो हुआ जिसका सबको इंतज़ार था। स्नोफॉल ने तो जैसे कोई जादू ही कर दिया हो, अब बस सब रुककर इसको ही देखना चाहते थे। फिर हम पहुंचे कुंजुम पास, जो कि 15,000 फीट की हाइट पर है, और सितंबर में ऐसी स्नोफॉल सिर्फ यहीं देखने को मिल सकती है। बट एक वीक पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई नई ही जगह पर हूँ। और फिर बस जब दोबारा चली तो सारे जज्बात ही बदल गए, क्योंकि अब बस स्लिप होने लगी थी। बस के टायर स्लिप ना हो तो बस के कंडक्टर ने नेम प्लेट से ही बर्फ को हटाना शुरू कर दिया था। और अब तो हर मोड़ पर ही कुछ नया चैलेंज आ रहा था, कभी बस फंस रही थी तो कभी कोई गाड़ी।
और इतने नैरो और स्लिपरी रोड पे, जहाँ पे अकेले व्हीकल का पास होना इतना मुश्किल था, वहाँ पे कभी कभी बस और ट्रक दोनों एक साथ भी जा रहे थे। फिर ऐसे ही कभी कुछ और कभी कुछ करके हम फाइनली उतर गए नीचे बत्तल ब्रिज तक। और आगे चलते चलते अब स्नो कम हो गई थी, फिर बस रुकी लंच के लिए छत्र पे। अभी तक हमने आधे से ज्यादा रास्ता कवर कर लिया था, बट व्यूज तो जैसे एक्साइटमेंट को कम ही नहीं होने दे रहे थे। फिर लंच के बाद हम चले कॉक्सर की तरफ। स्नो खत्म हुई तो रोड पे पानी और पत्थरों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। और पत्थर भी इतने बड़े बड़े जिनको उठाने के लिए कई लोग लग रहे थे। पर जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो वहां ऐसे पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड था। जहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, जाम लगा हुआ था। ये लोग पहले ही 3-4 घंटे से वेट कर रहे थे रास्ता क्लियर होने का। फिर हमने भी ऐसे ही 3 घंटे वेट किया पर रास्ता क्लियर नहीं हुआ। बट लकीली जैसे ये हमारी HRTC की बस मनाली जा रही थी, वही लैंडस्लाइड के दूसरी साइड एक बस मनाली से काजा जा रही थी, तो वो अब यू टर्न लेकर वापस मनाली जाने वाली थी और हम सबको उसमें ही शिफ्ट करना था। बट वो बस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर थी और वहाँ तक हमको चलकर जाना था। फिर सब लोग अपने लगेज को लेकर बस की तरफ चलने लगे। यहाँ हुआ था लैंडस्लाइड और ये रोड थी जहाँ अभी बस ये बड़े बड़े पत्थर हैं। फिर आधा घंटा चलने के बाद हम फाइनली बस तक पहुंचे। अब हम तो लकीली बस से निकल गए, बट रोड से लैंडस्लाइड नाइट तक क्लियर हो पाया था। और फिर इतने खराब रास्ते के बाद अब थोड़ी अच्छी रोड शुरू हो गई थी। फिर आ गई अटल टनल और फिर उसके बाद बस फाइनली पहुंची मनाली इवनिंग तक। ये था मेरा एक्सपीरियंस काजा से मनाली की बस जर्नी का। और इस जर्नी में हमने जो भी कुछ फेस किया, इसका मतलब ये नहीं कि इस रूट पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़रूरत है तो बस थोड़ी सावधानी की।
और अगर आप भी यहाँ पर सावधानी से चलेंगे तो आप भी यहाँ की सीनिक ब्यूटी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इस जर्नी के बाद से मैं पहाड़ों की पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ।